हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अगर किसी को भी हो जाए तो उसको काफी देर तक तो पता ही नहीं पड़ेगा कि वो उस बीमारी से ग्रसित है, और जब तक उसको पता पड़ेगा उसका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो चुका होगा। हम बात कर रहे हैं ओवरथिंकिंग के बारे में, जरूरत से ज्यादा सोचना। बंदा बैठा हुआ है किताब खोल के एक घंटे से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पिछले एक घंटे से वो पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि वो कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, कोई अंत ही नहीं आ रहा सोचने का, सोचने से रुक ही नहीं रहा। ऐसे सोचे जा रहा है जैसे उसने सोच नाम के प्लेनेट के टूर का फुल टिकट ले रखा है। जब भी कोई काम करने जाता है फिर से उसके दिमाग में वही सोच घुसी रहती है। जब कोई डिसीजन लेना चाहता है तब भी इतनी बार सोचता है कि डिसीजन ही नहीं ले पाता। पैरालिसिस बाय एनालिसिस, सोच सोच के पूरे थॉट प्रोसेस को लकवा हो गया। पास्ट में पेंडुलम की तरह झूल रहे हो, मैं ऐसा कर सकता था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, ये हो सकता था, वो हो सकता था, होना चाहिए था, हो सकता था, होना चाहिए था, हो सकता था, होना चाहिए था, हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। पास्ट नहीं तो फ्यूचर में झूलते रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं कर पाया तो और अगर कोई घर पर रात को आने में थोड़ा लेट हो गया तो सोच सोच के गला सूखा जा रहा है कि कहीं वो फिल्मों की तरह दिया बुझने वाला सीन तो नहीं होने वाला। देखो भाई, बनना था आपको वॉरियर और बन गए वॉरियर, चीता बनना था चिंता कर करके बर्बाद हो गए। आज हम इसी जरूरत से ज्यादा सोचने वाली बुरी आदत का इलाज करेंगे। श्री भागवत गीता में अर्जुन बोले कृष्ण से कि हे कृष्ण, इस मन को रोकना तो असंभव है क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और जब मेरे जैसा अर्जुन इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो एक आम आदमी कैसे इसको कंट्रोल कर पाएगा। श्री कृष्ण बोले कि हाँ अर्जुन, तुम बोल तो सही रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि सोच को वश में करने का कोई उपाय ही नहीं है। अर्जुन ने पूछा क्या। श्री कृष्ण बोले अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है, अपने विचारों को जीत सकता है, और वो जो सोचना चाहे सोच सकता है और जो करना चाहे वो भी कर सकता है। अब ये अभ्यास क्या है, यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करें हम ओवरथिंकिंग से बचने के लिए। अब काम की बात शुरू होती है। ध्यान से समझिए इस वीडियो को लास्ट तक, और अगर आप इसको लास्ट तक देख पाए तो समझ जाना आपको अपने विचारों पर कंट्रोल है। बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को लास्ट तक देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि विचारों पर कंट्रोल ही नहीं है। और मैं ध्यान से समझने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ओवरथिंकिंग का जो टॉपिक है ना, ये बात है ही ऐसी कि इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जब जब आप ओवरथिंकिंग करते हो तो आप अपने प्रेजेंट से निकलकर, यानी कि जो काम आप उस टाइम पर कर रहे हो उससे निकलकर आइदर आप पास्ट में चले जा रहे हो या फिर आप फ्यूचर में चले जा रहे हो। अपने विचारों को वर्तमान में पकड़ के रखना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आपका अपनी थॉट्स पर कंट्रोल है और आप उस टाइम अपने काम में पूरा ध्यान लगा पाते हो। जब जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो आपके मन में सबसे पहले यही आता है कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। देखो मेरे भाई, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपको जो मैसेज मिला है, उससे आपको जो सीखने को मिला है, उस सीख को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पास्ट केवल और केवल सीखने के लिए ही होता है, पास्ट का पर्पज ही होता है कि बस मेरे से सीखो। इस बारे में मत सोचो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, केवल इस बारे में सोचो कि जो भी हुआ उससे मुझे क्या मिला। अगर मेरा कुछ नुकसान भी हुआ तो भी मुझे वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, और वो कुछ ना कुछ क्या होता है, सीख, लेसन। और जैसे ही आप अपने आप को ये रियलाइज करवाओगे कि पास्ट होता ही सीखने के लिए है, पास्ट ना कमी निकालने के लिए होता है ना दोष देने के लिए होता है, केवल सीखने के लिए होता है, उसी वक्त आप अपने आप को पास्ट से मुक्त कर लोगे। जब जब आपको पास्ट का विचार आए तो केवल ये सोचो कि जो होना था वो हो गया, अब उस पास्ट से एक मैसेज लेकर के मैं अपने आज को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आपका जो अल्टीमेट एम है ना, वो होना चाहिए लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। तो आपने अपने आप को पास्ट से फ्री कर लिया, और फ्यूचर से अपने आप को ऐसा कह के फ्री कर लीजिए कि अभी अभी इस मोमेंट में मैं जो काम कर रहा हूँ उस पे ही मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। फ्यूचर के बारे में सोचने से फ्यूचर नहीं बदलेगा, पास्ट की सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने से फ्यूचर बदलेगा। तो आपने अपने आप को पास्ट और फ्यूचर दोनों से फ्री कर लिया, ये बेसिक फंडा हो गया ओवरथिंकिंग से बचने का। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर बार बार कोई थॉट परेशान कर रही है, टेंशन हो रही है, तो अपने लिए मैन्युअली दूसरे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ट्रैक कर लिया कि आप पास्ट और फ्यूचर में झूल रहे हो, तो आपके पास में ऐसी कोई हॉबी होनी चाहिए जिसमें आप उस वक्त अपना टाइम लगा सको। मान लो वॉकिंग करने चले गए थोड़ी देर बाहर, आप जो भी काम कर रहे हो केवल उस काम को एंजॉय करना सीखो। बहुत से लोग हैं जो खाना खाते रहेंगे और कुछ सोचते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे और कुछ नेगेटिव सोचते रहेंगे। वो भूल ही जाते हैं कि भाई चाय देखो कितनी अच्छी बनी है, खाना कितना अच्छा बना है, मौसम कितना अच्छा है, वो जिंदा है, स्वस्थ है,
घर पे सब ठीक है उनके। वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक जो ग्रेटिट्यूड है आपकी जिंदगी में, जो जो आपके पास में है उस वक्त, उसको हम भूल जाते हैं। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फॉर देम यू शुड बी ग्रेटफुल। हम सूरज के ग्रेटफुल हैं जिसकी वजह से इस धरती पे जीवन है। हम ऑक्सीजन के ग्रेटफुल हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। इसलिए लंबी सांस लो और बोलो कि जो मुझे चाहिए इस लाइफ में, इस वक्त, अपने काम पर ध्यान देने के लिए, ओवरथिंकिंग से बचने के लिए, वो सब है मेरे पास। ना मेरे पास किसी चीज की कमी है और ना कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी हो और मैं हासिल ना कर सकूं। तो ऐसा सोचोगे तो आप अपने आप को हर तरह की चिंता से, पास्ट से, फ्यूचर से मुक्त कर लेते हो, विच इज अनदर वे टू एंजॉय द प्रेजेंट एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग। आपकी लाइफ में अभी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। अगर मान लो आपकी सिस्टर जॉब करती है और उसकी शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है और रात के 10 बज गए अभी तक वो घर नहीं आई, तो क्या आप बैठ के केवल चिंता करोगे या फिर उनके ऑफिस में कॉल करोगे, कहीं से पता लगाओगे, किसी और की हेल्प लोगे? यानी कि एवरी टाइम एवरी मोमेंट यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू थिंक अबाउट प्रॉब्लम और यू थिंक अबाउट इट सॉल्यूशन। हर टाइम हर घड़ी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप या तो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें या फिर सॉल्यूशन के बारे में सोचें। सोचना ही तो है, किसी एक के बारे में आपको सोचना ही है। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट गेटिंग इनटू एनी वरी इज द की टू लर्निंग हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। अगर आप उस जगह पे नहीं हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आज आपको होना चाहिए, तो इसमें अब भी देरी नहीं हुई है। आप उस चीज को तो नहीं, लेकिन उससे बेहतर चीज को जरूर अचीव कर सकते हो। और जब आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो, मोटिवेट कर लेते हो कि यू डिजर्व बेटर, आप उससे बेहतर डिजर्व करते हो, तब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस और कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करते हो और आप में कोई कमी भी रह जाती है, और में भी कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आप उस बात को भूल नहीं पा रहे हो। तो एक चीज याद करो कि इस दुनिया में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। एक कहानी है, सच है कि झूठा मुझे नहीं पता। द्रौपदी ने अपने पुराने जीवन में बहुत बड़ी तपस्या की। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि क्या चाहिए वरदान तुम्हें बताओ। तो द्रौपदी ने 5 गुण बताए और कहा कि हे भगवान, जिस पुरुष में ये 5 गुण हो उसी को मेरा पति बनाना। भगवान ने समझाया कि देखो ऐसा इंसान तो हो ही नहीं सकता, इंसान मैंने बनाया ना, मुझे पता है ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता, दूसरा वरदान मांग लो। बोला नहीं, मुझे तो ऐसा पति ही चाहिए जिसमें मेरे ये 5 गुण हो। भगवान ने बोला ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं कर दूंगा मैनेज। तथास्तु। हुआ क्या, अगले जन्म में द्रौपदी को 5 पति मिल गए। तो जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, उन्होंने ऐसा इंसान बनाया ही नहीं है जो हर काम में, हर फील्ड में, हर क्वालिटी में सबसे अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फिल्मों में ऑस्कर लेने वाला स्विमिंग में भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल ला रहा है, मैराथन में भी गोल्ड मेडल ला रहा है, राष्ट्रपति भी बन गया हो, उससे सब इंसान खुश भी है, किसी को उससे शिकायत भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉट भी वही है, वो बृहस्पति ग्रह पे भी जा सकता है, जिसको दुनिया की सारी किताबें दिमाग से याद है। नो यार, नेवर। ऊपर वाले ने ऐसा इंसान बनाया ही नहीं है, कोई ना कोई कमी किसी में जरूर होती है। इसलिए अगर आप इसलिए ओवरथिंकिंग कर रहे हो कि आप में कोई कमी है या अगले बंदे में कोई कमी है और उससे आपको फर्क पड़ रहा है, तो सोचिए कि इट्स नेचुरल। अगर उसमें कोई कमी है तो अच्छाई भी जरूर है। आपने जो फोकस डाल रखा है, जो आपकी फोकस लाइट है, उसका फोकस नेगेटिव चीजों से हटा के उसकी पॉजिटिव चीजों पे डालो, अपनी पॉजिटिव चीजों पे डालो। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अपने विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और इसका तरीका यही है कि अभ्यास करते रहिए। किस चीज का अभ्यास? पास्ट और फ्यूचर की थॉट्स से आजाद होकर प्रेजेंट के काम पर फोकस करना। और आप पूरा फोकस इस पे लगाएं। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूं। आप अपना पूरा फोकस इस पे लगाएं कि आप दुनिया में देश का नाम कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।